नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, बड़ी खबर निकल कर आ रही है सागर की मकरोनिया से। दरअसल मकरोनिया में लगातार जो है सांपों के निकलने का सिलसिला जारी है। पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी बढ़ गई थी और इसी वजह से जो है, और फिर इसके बाद बारिश हुई तो सांपों का निकलना लाजमी है। और ऐसा ही वाकया कल सामने आया है। दरअसल रविवार की रात में जो है मकरोनिया के अयप्पा मंदिर परिसर में एक ब्लैक कोबरा, जिसकी लंबाई लगभग 6 फुट थी, जिसको स्नैक कैचर की बेटी ने पकड़ा है। हम आपको बता दें कि मकरोनिया के दीपक मेमोरियल स्कूल के पास स्थित अयप्पा मंदिर में रविवार रात को मंदिर परिसर में 6 फिट का ब्लैक कोबरा सांप निकला, जहां उपस्थित श्रद्धालुओं में हड़कंप की स्थिति बन गई और उन्होंने तुरंत जो है फ़ोन करके अकील बाबा को बुलाया और अकील बाबा अपने बेटे के साथ पहुंचे और वहां पर जो है बेटे ने बड़ी ही सावधानी के साथ जो है कोबरा को पकड़ा है, जहां अकील बाबा के बेटे ने कड़ी मशक्कत के बाद जो है सफलता अर्जित की और ब्लैक कोबरा को पकड़ा है। सुनिए जरा इस मामले में अकील बाबा ने क्या कहा है। अगर ये काट लेता कितनी देर खत्म हो जाएगा? ये काट लेता तो मुश्किल से 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसको मेरे बेटे ने जो है ना बाबा, ये अकील अभी जो अपनी उमस हो रही है और बरसात हो रही है तो लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मतलब आज मैं गैप ना दे और जहाँ कचरा कुरकर जमा है वो जमा ना होने दे, साफ सफाई रखे, क्योंकि अभी पानी भरेगा फिर सूखी जगह पे अंदर ही सांप घुसते।